फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अच्छे नोट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड जूलॉजी का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पिस्सिकल्चर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेबल फिशेस के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर को ही पिस्सिकल्चर भी कहा जाता है। इसमें हम पॉन्ड फिशेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पहले एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे, किसे पिस्सिकल्चर कहते हैं, किसे एक्वाकल्चर कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग मेथड्स, फिश ब्रीडिंग, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, डिडेबल फिशेस इंडिया एंड हार्मफुल फिशेस, यूज ऑफ फिशेस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फिशेस के बारे में। इसके अंदर हम फिश से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो पर जाना ना पड़े। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे हमारी यही दरख्वास्त है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक छोटा सा नोट लेते हैं कि पिस्सिकल्चर और एक्वाकल्चर कहते किसे हैं। किसे कहते हैं? पॉन्ड फिशेस। अच्छा, फिश ब्रीडिंग या जिसको प्रजनन भी कहा जाता है, रेयरिंग जिसको पालन कहा जाता है, और ट्रांसप्लांटेशन जिसको प्रत्यारोपण कहा जाता है। यही फिश के को ब्रीडिंग कराने के, उसको पालने के और प्रत्यारोपित करने के तरीके को ही पिस्सिकल्चर या एक्वाकल्चर कहा जाता है। यदि अगर फिशेस के अलावा अगर एक्वाकल्चर में अगर पानी में किसी और चीज़ को आप ब्रीड करा रहे हैं, आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैरीकल्चर के अंतर्गत रखी जाती हैं। यह एक्वाकल्चर का ही एक प्रमुख रूप होता है, जबकि बाकी सारी विधियाँ मैरीकल्चर के अंदर रखी जाती हैं। भारत में इसकी बहुत सारी ऐसी फिशेस है जिसको पाला जाता है, और काफ़ी ऐसी फिशेस हैं जो अपने आप हमें सागरों महासागरों पर मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही फिशेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ फूड फिशेस या कार्प्स को पॉन्ड्स या टैंक्स में कल्चर्ड किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और पानी को बहते रहने दिया जाता है, जिसकी वजह से फिशेस अपने आप को ब्रीड करती हैं। इसमें फोर टाइप्स के जो टैंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। चलिए पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। हैचरी या 10x5 to 8 feet लग चौड़ा और लगभग गहरा 2 feet लगभग गहरा होता है। यह एक पॉन्ड होता है, यानी कि यह एक तालाब होता है जो कि पोखरों या फिर नदियों में एकत्र किए गए स्पॉन यानी अंडे, जो स्पॉन होता है, जैसे कि अगर फिश में या फीमेल फिश एग और मेल फिश स्पॉन रिलीज करते हैं, तो इसी को स्पॉन कहा जाता है। इसको एक पानी में डाल दिया जाता है, पॉन्ड में डाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहता हुआ पानी होता है। उसमें लगभग इनको 18 से 24 घंटे तक रखा जाता है। 18 से 24 घंटे रखने के बाद इनको नर्सरी टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। यह नर्सरी टैंक 50x10 feet गहरा होता है और रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जो कि बारिश के मौसम में ओवरफ्लो हो जाता है और नदी के कारण यह जलमग्न भी हो जाता है। यहाँ पर जो स्पॉन की जो फिशेस के जो स्पॉन होते हैं वो 2 days बाद इसके अंदर डाले जाते हैं, वो यहाँ पर कुछ ग्रो करते हैं। उसके बाद इनको रेयरिंग टैंक यानी पालने वाले टैंक में रख दिया जाता है। ये लगभग 50x50 लगभग 10 feet डीप होता है, बड़ा होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो फिश फ्राई होता है उसको रखा जाता है। फिश फ्राई छोटी मछलियों का ही समुदाय होता है, और उसको आप अलग तरीके से नहीं पढ़ते, मछलियों के छोटे से समुदाय को ही फिश फ्राई कहा जाता है। लगभग 1 inch लंबे फिश फ्राई को इस टैंक में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और 4 or 6 months तक इसमें रखा जाता है, क्योंकि 4-6 months के बीच में फिशेस बहुत बड़ी हो जाती है। अब इसके बाद आता है स्टॉकिंग टैंक। ये टैंक इस टैंक में फिशेस को डालने के बाद लगभग
कुछ समय बाद इसको मार्केटिंग के लिए तैयार कर दिया जाता है, बेचने के लिए तैयार कर दिया जाता है, या फिर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके अंदर मछली। यह टैंक बहुत ज़्यादा मेन होता है, इसका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिश को मार्केटिंग के लिए यहाँ पर रेडी किया जाता है। यह बहुत बड़ा होता है, लगभग आधा एकड़ जमीन में 6 से 10 फीट की गहराई में तक फैला हुआ होता है। चलिए, ये था कुछ इम्पोर्टेंट टैंक जिसमें फिशेस को रखा जाता है और फिशेस को ब्रीड कराया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फिशिंग इंडस्ट्री। इंडिया में फिशिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है, यहाँ पर ये कैसे ग्रो कर रही है, कैसे अपने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। इंडिया में फिशेस सी, लेक, पॉन्ड, रिवर यहाँ पाली जाती हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में समुद्री और अंतर्देशीय साधन होती हैं। भारत की तट रेखा, जिसे कोस्ट लाइन भी कहा जाता है, वो 4,067 किलोमीटर लॉन्ग है और एक वास्ट महाद्वीप से मिली हुई है। अंतर्देशीय मत्स्य संसाधन संभावित रूप से दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, जिसमें बैकवाटर, लॉगून्स, बैकविस, वाटर लेक्स, रिवरिंग सिस्टम या किसी खारे पानी की झीलें भी कहा जाता है, और सिंचाई नहरें, मीठे पानी की झीलें, टैंक, तालाब, पूल शामिल हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं जहाँ पर फिश का पालन किया जा सकता है, जहाँ पर फिशेस मिलती हैं। पर वहाँ पर फिर भी इंडिया जो है, इंडिया की जो फिशिंग इंडस्ट्री है, वो कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम करके नहीं दिखा पाई अभी तक। ठीक है, हमारे देश में सभी संसाधन होने के बावजूद भी जो फिशिंग इंडस्ट्री है, कुछ अच्छा काम करके नहीं अभी तक दिखा सकी है। हमारे देश में मछली का एनुअल प्रोडक्शन लगभग 500 ट्रिलियन टन से अधिक है होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें से लगभग 60% समुद्र में प्राप्त होती है। जी, मतलब कि आप समझ सकते हैं, 40% जो फिशेस हैं उनको अभी इंडिया में ग्रो कराया जा रहा है, ब्रीड कराया जा रहा है, पर 60% जो फिशेस हैं वो अभी भी हमें समुद्र से ही प्राप्त होती हैं। देश में मछली की मांग को पूरा करने के लिए 10 गुना अधिक वृद्धि की आवश्यकता मानी जाती है। मतलब अभी भी अगर हमारे देश में देखा जाए तो लगभग 10% फिशेस की मांग है। मतलब इतना भी ज्यादा फीसिस नहीं है कि हम ऐसी बांटते चलें, बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं कह सकते, कम है, और इसकी मांग कम से कम 10% ज्यादा है। अब हम यहाँ पर कुछ कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट फीसिस के बारे में जानते हैं, जिसको मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मिलता है, जिसकी मांग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ हेडलाइन है, इन हेडलाइन को मैं पढ़ूंगी, बाकी इस आगे जो लिखा है वो इस मछली की कैसी खूबियां हैं, क्या खूबी है, कैसा टेस्ट है, कहाँ पर पाई जाती है, उसके बारे में लिखा है, वो आप पढ़िएगा। सारकास, सारकास भी एक बहुत ज़्यादा फेमस मछली है, इसकी भी कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रेस, सार्डिंग्स, मार्केलेस, बॉम्बे डक, रिबन फिश, जॉ फिश, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिशेस होती हैं। जॉ फिश जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिशेज की स्पीसीज मानी जाती है, फूड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मानी जाती है, और इवन फिश भी को भी लोग खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ है और भी है, शेर, सोल्स, इंडियन सालमोन। इंडियन सालमोन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और कैट फिशेस भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका जो मुंह होता है वो कैट के जैसा होता है, इसलिए इन्हें कैट फिशेस कहा जाता है, और इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फिशिंग मेथड्स के बारे में। जो समुद्री मछली होती है उनको पकड़ने की जो कला होती है, या फिर उसमें जो गियर लगते हैं, कुछ उपकरण लगते हैं, वो इंडिया के पास क्या है, कैसे हैं, और किस किस तरीके से यूज किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया में समुद्रों में यूज किए जाने वाले जो क्राफ्ट होते हैं, जो बोट्स होती हैं, वो जैसे कि कैटामैरान्स, मुसला बोट्स, डिंगिस, नौका, एंटोटिकोरिन बोट्स, ये सब है। जो डग आउट कैनो जो होता है, ये डग आउट कैनो भी एक लकड़ी की एक नाव होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर
लेफ्ट साइड में है, ये डगआउट कैनो है। ये भी प्राचीन काल से हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा प्राचीन काल से। डगआउट कैनो लकड़ी के बड़े गुट्टों से के इनर पार्ट को, जो उनके इनर पार्ट्स होते हैं उनको खुरच कर बनाया जाता है। मतलब अगर लकड़ी से किसी चीज को खोदे, इसकी जो कला देखें आप, तो देखिए कितनी महीन कला इसमें करी गई है, कितनी महीन कला करी गई है। तो इसको लकड़ी से खरोच कर बनाया जाता है। नीचे का भाग थोड़ा जो स्लाइड होती है नीचे की, वो थोड़ी चौड़ी होती है। आप देख रहे होंगे बीच में से की जो स्लाइड है वो चौड़ी है, और जो सामने की जो और पीछे की जो स्लाइड है वो थोड़ी पतली है। और यह केरल और कोंकण तटों पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। केरल में सबसे ज्यादा इसका जो है उपयोग किया जाता है। बड़े वाले को वांची या फिर ओणम कहा जाता है। अगर इसी का साइज अगर हम बड़ा कर दें तो उसे वांची कहा जाता है या ओणम कहते हैं। और छोटे वाले की बात करें तो उसको थोनीच कहा जाता है, जिसकी आम भाषा है वहां के लोग इसको यूज करते हैं। जिसके पास बड़ा होगा वो ओणम कहेगा, जिसके पास छोटी होगी वो थोनीच कहेगी। जो प्लांक बिल्ट कैनोज होती है, इसको भी डग कैनोज ही कहते हैं, एक प्रकार से वही होती है डग आउट कैनो, जो चारों तरफ से बड़ी होती है। ये केरल में भी आम है और सबसे ज्यादा रामपानी इसको कहा जाता है। मतलब केरल में इसको रामपानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका उपयोग रामपानी नेट मैरल्स की ढलाई के लिए किया जाता है। नेट मैरल्स मतलब वहाँ पर कुछ मैकेरल्स नाम की कुछ फिशेस पाई जाती हैं, बहुत फेमस फिशेस हैं जहाँ पर लोग पसंद करते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर इसको रामपानी नेट मैकेरल्स नाम से भी जाना जाता है, राइट। जो फॉर्म की गई जो बोट्स होती हैं, मकवा बोट्स और सतपति बोट्स का यूज किया जाता है यहाँ पर, इन्हीं से जो निर्मित होती हैं। कुछ नाम इन्हीं को भी मकवा और सतपति कुछ नाम दिए गए हैं। मछली पकड़ने के लिए मोटर बोट्स का भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, और अब तो इसकी मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोटर बोट से बोट अपने आप चल रही है, और जो मछुआरा है, फिशरमैन है, वो अपनी मछली को पकड़ ले रहा है आराम से। तो इसका भी काफी उपयोग बढ़ गया है, काफी मात्रा में इसका उपयोग बढ़ गया है जब से टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है। समुद्र में मछली पकड़ने के कुछ और भी उपकरण होते हैं, इसी तरीके के बहुत सारे उपकरण होते हैं। इन्हें बैग नेट्स, बोर्ड सिंस और सोर सिंस, डार्गन नेट्स, गिल्स नेट और कैटनेस जैसे स्थिर जालों में भी उपयोग किया जाता है। और ये जाल मकड़ी को पकड़ने, सॉरी मछली को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये कम टीडल के दौरान तटवर्ती जल में टीडल जोन्स में स्थिर होते हैं। ये जो वाइल्ड रूट के होते हैं ना पूरे तट, उसमें उपयोग किए जाते हैं। पूरे तट में पूरी तरीके से अपने जाल को बिछाया जाता है और पूरे तालाब में जाल को अंदर तक डाल दिया जाता है। उसके बाद जब एक साथ दो लोग इस जाल को ऊपर को खींचते हैं, तो इस इमेज में कुछ इस टाइप का दिखाया गया था, हाँ इस तरीके से वो पूरी की पूरी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा जाल उठाते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको मछलियाँ निकाल के फिर उसको फिर दूसरा जाल यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा किया जाता है। जाल के अलावा बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए लाइन्स और नेट हुक्स का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई पिक्चरों में इसका ऐसा करते हुए दिखाया गया है, जब हीरो बाहर जाता है और उसके हाथ में कुछ लंबी छड़ी जैसी होती है और वो कुछ पानी में डालता है और टांका जो हुक है वो उस पर फिरता है और मछली को उठा के ले आता है। तो कुछ ऐसा इस टाइप जो है लाइन्स और हुक्स का उपयोग करके भी इस तरीके का काम किया जाता है। और ये सदियों पुराने उपकरण हैं, ये आजकल के उपकरण नहीं है, सदियों से ही काम किया जा रहा है। जिनमें कपास की लकड़ियों के हुक को लगाया जाता है, फिर इसे लंबे तालाबों में डाल दिया जाता है, फिर मछली इसमें फंस जाती है। राफ्ट्स कुछ तैरते हुए प्लेटफॉर्म होते हैं जो बैम्बू या फिर बनाना के तने का एक बांधकर बोर्ड्स प्लैंक से बनी होती है और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि बैम्बू के पेड़ में अगर आपने वो टाका भिड़ा दिया और उसके बाद उसको डाला तो वो उसको बांधता है मछली को चारों तरफ से और ऊपर करके ले आता है। और ये बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती हैं, एक टाइप्स की ये नहीं होती है, जैसे इसमें बीन जाल, खाल पट्टा जाल, संगलो जाल,
चांडी जाल, बीर जाल, कटला जाल, ये सारे जाल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा फिश ब्रीडिंग के बारे में। जो फिश है वो कैसे ब्रीड करती हैं, कैसे मेल फिशेस फीमेल फिशेस के साथ ब्रीड करती हैं। प्रिपरेशन ऑफ टैंक, पहले तो हम टैंक्स की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा है कि जो हैचरी है, नेसेसरी है, रेयरिंग है और स्टॉकिंग टैंक्स हैं, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा। और यहाँ पर कुछ डिटेल में कि कैसे इनकी प्रिपरेशन की जाती है, राइट। जो अनवांटेड जो वीड्स होते हैं और एक्वाटिक एनिमल होते हैं, उनको हटाने के लिए हर साल ब्रीडिंग काल में जो प्रजनन काल होता है, शुरू होने से लगभग 30 डेज 30 दिन पहले टैंकों को सूखा और साफ किया जाता है, ठीक है। पहले उसको लगभग एक साल होने से पहले उसमें से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाला, 30 डेज पहले उसको धोया साफ से और फिर उसको सुखाने के लिए रख दिया, और उसके बाद उसमें साफ पानी भरा और साफ पानी में फिर हम क्या करते हैं, प्लैंकटॉन्स को ग्रो होने देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो साफ पानी इसमें भर देते हैं, तो प्लैंकटॉन के ग्रोथ की के लिए आवश्यकता न्यूट्रिशन में डाला जाता है। बहुत ज़्यादा देखो प्लैंकटॉन को क्या करेगा, फिशेस खाएगा ना, ऑर्गेनिक मैनवर होगा ये इसके लिए। जो प्लैंकटॉन होता है वो अनऑर्गेनिक मैनवर होता है। अब लेकिन ये ऑर्गेनिक मैनवर किससे बना होता है, जैसे काउडंग हो गया, सीवेज वाटर हो गया, इसको मिलाकर ये प्लैंकटॉन बना होता है, जिसको जो फिशेस होती है उनके द्वारा ईट किया जाता है, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ स्पर्म। अब ये कलेक्शन ऑफ स्पर्म क्या है, देखो यहाँ पे स्पर्म है जो फिशेस है, मेल फिशेस का स्पर्म और फीमेल फिशेस का एग, इसको कैसे इसका कलेक्शन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मेजर क्राफ्ट होते हैं जैसे लेबियो का टला, जे हिंग, ETC। ये क्या करती है, ये कंफाइंड वाटर में कम जो है ब्रीड नहीं करती है, सीमित पानी में ब्रीड नहीं करती है। बहुत ज़्यादा इनको पानी चाहिए होता है अपने ब्रीड करने के लिए, और ऐसा पानी चाहिए होता है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो और वो पानी क्या हो, बहता हुआ पानी हो, राइट। पानी कैसा हो, बहता हुआ पानी हो, और इसी में क्या करती है, अपने एग को देती है। एग और न्यूली जो लार्वा होता है, न्यूली हैच लार्वा जो होता है, हर साल रिवर के किनारे नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड होता है वहाँ पर से इस लार्वा को कलेक्ट कर लिया जाता है। मदर फिश से पैदा होने वाली सेल के लिए बाजार में आने से 12 से 14 घंटे के भीतर इन्हें मिट्टी के बर्तनों में रख दिया जाता है। अगर मदर फिशेस अगर तैयार हो चुके हैं सेल के लिए, अगर बाजार में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो कम से कम 12 से 14 घंटे पहले इनको एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है। इन्हें लगभग 18 से 24 घंटे तक हेचरी में रखा जाता है। अब जो मैंने फर्स्ट टैंकी की बात करी थी आपके सामने, जो हेचरी होता है, अब ये तो अलग बात थी कि उनको एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। अब फर्स्ट एक प्रोसेस जहाँ से उस लार्वे को कलेक्ट किया जा रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल हेचरी में डाला जा रहा है। इन्हें लगभग 18 से 24 घंटे तक हेचरी में रखा जाता है। इसके बाद जो नया जो लार्वा होता है उसको नर्सरी टैंक में क्या करा जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जो फिशेस है, फिशेस क्या हो रहा है मैं आपको एक्चुअली बताऊं, यहाँ पर जो फिश है मेल फिशेस में से उसके जो स्पर्म है उसको निकाल ले जा रहे बर्तन में, और फीमेल फिशेस से उसके भी जो एग है उसको एक बर्तन में निकाल ले जा रहा है। अब दोनों को थोड़े से वाटर में मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स करने के बाद उनको हैचरी जो टैंक है, फर्स्ट टैंक है, उसके अंदर डाल दिया जा रहा है, राइट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इनको क्या किया जा रहा है, कुछ 18 से 24 घंटे लगभग रखा जाता है, एक दो दिन काफी लोग रखते हैं, और इसके बाद इनको नर्सरी टैंक में डाल दिया जाता है। कुछ जो एग होते हैं, जो न्यूली हैच लार्वा होता है, अभी वो आपको फिशेस नहीं दिखेगा, आपको एक छोटे छोटे काले कलर के दाने जो टाइप के दिखेंगे, और उसको क्या किया जाता है फिर नर्सरी टैंक में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है, जहाँ इन्हें थोड़े समय तक रखा जाता है। यह ओनली यंग और डेलिकेटेड लार्वा की ही देखभाल करने के लिए, उन्हें बड़ी मछलियों से बचाने के लिए लगभग एक वीक तक जो फ्राई होती है, फिश फ्राई यहाँ रखी जाती है। फिश फ्राई मतलब छोटी मछलियों का समुदाय, लगभग एक इंच की लंबी होने पर, एक इंच लंबी जो जगह है वहाँ जो जगह है
जो जगह है वहां पर उन मछलियों को 1 इंच लंबी होने से पहले उसे पाला जाता है। मतलब अगर 1 इंच की लंबी अगर मछली नहीं हुई है तो वहां पर रखा जाएगा नर्सरी टैंक में, लेकिन उसके बाद उसको दूसरे टैंक में डाल दिया जाएगा, दूसरे मतलब रेयरिंग टैंक में डाल दिया जाएगा। अब रेयरिंग टैंक में फिश फ्राई को डेली एक स्पेशल स्मॉल मेस्ट नेट द्वारा पकड़ा जाता है। काफी बार छोटी मछलियों की भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जिसके कारण छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है और छोड़ा जाता है। और इस प्रैक्टिस का मेन पर्पस ये होता है कि काफी बार इसको जो ट्राई करते हैं लोग, पकड़ना छोड़ना पकड़ना छोड़ना, ये भी एक पर्पस होता है, जो कि इससे हम जो है फिश जो फ्राई होती है, छोटी मछलियां होती हैं, उनको पकड़ने का उनको ट्रांसपोर्ट करने का ये तरीका हम सीख जाते हैं। इसको सीखने के लिए भी काफी लोग करते हैं, उनको झटकों से दूर रखने के लिए, कैसे मतलब कोई झटका ना लगे, कोई अगर झटका लग गया तो कोई मछली खराब हो सकती है, मर सकती है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस की जाती है। रेयरिंग टैंक में फिश फ्राई को कम से कम 4-6 महीने तक रखा जाता है। ओके, 4-6 महीने तक रखा जाता है, क्योंकि अभी फिश बहुत छोटी है, तब तक यह एक पैर के आकार का हो जाता है, लगभग इतना बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। स्टॉकिंग टैंक में यंग फिशेस को तब तक रखा जाता है जब तक कि ये मार्केटिंग के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक इस स्टॉकिंग टैंक में इन मछलियों को रखा जाता है। यह तालाब में समृद्ध है और क्विक ग्रोथ करने और रैपिड इंक्रीज होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है। अगर अगर आप देखा जाए तो अगर हम कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा समय तक अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, राइट? हम क्या करेंगे, उसमें इंजेक्शन लगा के उसको जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। अगर जल्दी चाहिए तो जल्दी ग्रो करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, राइट, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं। पर ये जो मछलियाँ होती हैं, अभी इनको प्रॉपर टाइम दिया गया है, तो ये अब जो कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो क्विकली ग्रोथ करती हैं और रैपिडली इंक्रीज होती हैं साइज में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो स्लाइड है ये मैंने कवर कर दी है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में, जो फिश के जो सीड्स होते हैं आमतौर पर रिवर में प्राकृतिक प्रजनन या फिर ग्राउंड जो होता है बहुत बड़ा, इनका नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर इनको ब्रीड कराया जाता है, ये कलेक्ट करके यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन ऐसा कनेक्शन इकोनॉमिक और अनइकोनॉमिक और जो शिकारी मछलियां होती हैं उनका मिक्सचर होता है, यहाँ पर सभी प्रकार की मछलियां को रखा जाता है। और इसे ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल मेथड से मछली के बीज को प्राप्त किया जाता है और कई टेक्निक से इनका विकास किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग शामिल है। अब क्या करेंगे, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए यहाँ पर क्या करते होंगे फिश को जल्दी ग्रो करने के लिए, ज्यादा फिशेस बनाने के लिए? अब कॉस कुछ इंजेक्शन, कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता होगा, राइट? या फिर क्या, अगर वो मछली खुद अपना स्पर्म रिलीज नहीं कर रही, खुद अपना एग रिलीज नहीं कर रही, तो उनका एग और स्पर्म रिलीज कराया जाता होगा, राइट? यही तरीका है, ठीक है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में सेक्सुअली मैच्योर फिशेस को हाइपोसेंसरिन द्वारा एक्सटर्नल फैक्टर्स से विनियमित कराया जाता है और से जो अंडे हैं वो फिश के द्वारा सीधे सीधे या लिए जाते हैं। क्या फर्स्ट मेथड्स के हम बात करते हैं, यहाँ पर टू मेथड्स होती है जो फिशेस पॉन्ड में ब्रीड कर सकती है, ऐसे फिशेस जो पॉन्ड में ब्रीड कर सकती है, और ऐसे फिशेस की जो स्पीसीज है जो पॉन्ड में ब्रीड नहीं करती है, राइट? टू टाइप्स की फिशेस है। पहले हम जानते हैं जो फिशेस पॉन्ड में ब्रीड करती है। पॉन्ड में ब्रीडिंग करने वाली मछलियाँ मेंटेन पॉन्ड के अंडे देने के लिए अच्छी तरह से अडेप्ट होती हैं, ठीक है। अगर इनको पहले से ही ये कराया जा रहा है तो ये अडेप्टेड है, उस वातावरण के अनुकूल है, वो कर सकती है। लेकिन वाइल्ड और एक्सक्लूसिव स्पॉमिंग से बचने के लिए पॉन्ड ब्रीडिंग स्पीसीज को सेक्स वाइज अलग किया जाता है, अगर मेल है तो इधर और फीमेल है तो इधर। अगर अगर देखा जाए, अगर मेल फीमेल को अगर एक साथ रख दिया जाए तो, क्योंकि वो इंड्यूस ब्रीडिंग में आएगा ही नहीं, वो कॉमन ब्रीडिंग में आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है, तो उनका जो एग्स और स्पर्म होते हैं वो अलग तरीके से लिए जाते हैं, इसकी वजह से इसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। फ्यू सिलेक्टेड ब्रॉड फिशेस को विशेष रूप से मेंटेन्ड ब्रीडिंग पॉन्ड में लाया जाता है।
पॉन्ड में फ्रेश वाटर और वेल ऑक्सीजनेटेड युक्त सारी चीजें होती हैं। जो स्वाविंग होते हैं उसको प्रेरित करने के लिए पॉन्ड में पानी को ताजा किया जाता है ताकि जो फिशेस है वो क्या करें अपना एग दे सके अपना स्पर्म दे सके ठीक है। और फिर पानी को बदला जाता है। एग को चिपकने के लिए उपयुक्त सामग्री समृद्ध होती है। फिजिकल फैक्टर यानी जैसे टेम्परेचर हो गया जैसे लाइट हो गया जैसे आपकी डेंसिटी हो गई पॉपुलेशन हो गया ये सब क्या होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है। यहाँ पर क्या होता है अब ऐसे फिशेस जो क्या करती है जो पॉन्ड में ब्रीड नहीं करती है राइट। ऐसी कुछ फिशेज होती है जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती है। उसमें बहुत सारे फिशेज है जैसे लेबियो हो गया कटला हो गया जिरहिना हो गया ये सब एडिबल फिशेज होती हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट की इसमें यहाँ पर इनके लिए। फ्यू कॉमर्शियल जो कैट फिशेज होती हैं बैक फिशेज होती हैं वाटर फिशेज ये सब जो होती है ये जो है पॉन्ड में ब्रीड नहीं करते हैं ठीक है। इसकी टू टाइप्स की मेथड्स होती हैं इसमें भी ब्रीडिंग इन बॉन्ड्स एंड ब्रीडिंग इन हार्मोन्स एंड ये सब ये इसका हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसका डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए इसका डिटेल में नहीं जाते हैं ठीक है। पर आपको यहाँ पर समझने वाली चीज़ यही है कि यहाँ पर जो भी होता है यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के अंदर जो होता है इस जब पॉन्ड में जो ब्रीड जो फिशेस है वो जब ब्रीड नहीं करती हैं तो उनको कुछ हार्मोन्स ऐसे उनके अंदर जो है ग्रो कराए जाते हैं जिसके द्वारा फिशेस बड़ी हो जाती हैं लार्ज हो जाती हैं एग देने लायक हो जाती है स्पर्म देने लायक हो जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहा जाता है राइट। अब हम देखते हैं एडेबल फिशेस ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फिशेस एडेबल है मैं यहाँ पर बहुत सारी फिशेज की लिस्ट बनाई है पर इसको विस्तार में नहीं बना रही हूँ क्योंकि विस्तार में अगर हर एक फिशेज के बारे में बताऊंगी तो वीडियो कम से कम 3-4 घंटे की हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट बताऊंगी यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बताऊंगी। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके इसको पढ़ सकते हैं राइट। पहले फ्रेश वाटर फिशेज के बारे में बात करते हैं फिर मैराइन वाटर फिशेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो एडेबल फिशेज होती हैं वो लगभग फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं ओके चलिए। फ्रेश वाटर फिशेज में मेजर क्राब्स जो मेजर क्राब्स मतलब जो फास्टली ग्रो होती हैं ऐसी फिशेज जो कि सबसे ज़्यादा मांग तो राइट उन्हीं की होगी जो फास्ट ग्रो होंगी राइट जो बाजार में सबसे ज़्यादा मिलेंगी उन्हीं की सबसे ज़्यादा मांग होगी तो रोहू रोहू यहाँ पर इसके साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं लेबियो रोहिता काला बासू कुश्ची बाटा कटला टोर मिर्गला पुनीति ये सब इनके साइंटिफिक नेम इनके बगल में दिए गए हैं। अब हम थोड़ी कैट फिशेज के बारे में बात करते हैं जिनका जो माउथ होता है वो कैट के लायक होता है जिनकी जो थोड़ी सी जो मुंह है उसका एरिया कैट के लायक जैसे होता है उनकी बॉडी थोड़ी ठीक होती है ठीक है। ऐसी इस टाइप की फिशेज के बारे में बात करते हैं बॉल सिंगली मेहागुर गोंज बचवा सिंघाला पुत्ता ये जो है ना इनके कॉमन नेम होते हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट है ठीक है। जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है उनकी कॉमन नेम है और ये सब इनने साइंटिस्ट ने जो है अपना नेम दे रखे हैं इनको या इसको यूनिवर्सली इस नामों से जाना जाता है। अब कुछ मुरल्स फिश होती हैं अब कुछ क्या होते हैं मुरल्स फिश होते हैं साल और पू मावीर होती है पोल डक और टाकी जिसको कहा जाता है कुछ फीडर बैक्स होते हैं जैसे चीतल पोली ये सब राइट। कुछ मुलेट्स भी होती हैं कुछ ऐसी फिशेज जो मुलेट्स होती हैं जैसे मुगिल हो गया और कुछ मराइन फिशेज जैसे हिसला और बिंदी बहुत ज़्यादा फेमस है राइट। कुछ यहाँ पर मैंने फिशेज के नाम जो डायग्राम है उसके तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है जैसे मेजर क्राब्स की फिशेज देखिए कैट फिशेज देखिए उनका माउथ देखिए मुलर्स फिशेज देखिए कैसे देखिए फीडर बैक फिशेज देखिए और मुलेट्स फिशेज देखिए। अब कुछ हम जानते हैं हार्मफुल ऑफ फिशेज फिशेज का क्या हार्मफुल है राइट। जैसे होस्ट ऑफ सर्टेन पैरासाइट देखिए जो फिशेज होती हैं वो पैरासाइटिकली भी बिहेव करती हैं ठीक है। और कई बार ये जो पैरासाइट है वो ह्यूमन डिजीज जो है पैदा कर देते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें ऐसी जो
फिशेस की स्पीसीज हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म में ह्यूमन के बॉडी में रहती हैं। कुछ प्रीडेटर्स होते हैं या कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो जानलेवा होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जो मैन पे अटैक कर सकती हैं, इंजरी कर सकती हैं फिशरमैन को और उनके नेट को डैमेज कर देती हैं। कुछ पॉइजन फिशेस भी होते हैं, तो आप समझते हैं अगर जहरीली फिशेस है तो इनको खाना नहीं चाहिएगा, कुछ यूज नहीं है। और ये जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इनको जो है अलग अलग तरीक़ों से पहचाना भी जाता है ताकि इनको कहीं पकड़ के ना ला जाए, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं ये फिशेस। कुछ इलेक्ट्रिक फिशेस होती हैं जिनके जो पूरी बॉडी है उनकी बॉडी में करंट दौड़ रहा होता है, अरे बहुत ज़्यादा मैजिकल लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये, मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक देते हैं, काफ़ी बार ये देखा भी गया है। अब यूजेस पढ़ते हैं फिशेस का, बहुत ज़्यादा यूज है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना फिशेस के बारे में, बहुत ज़्यादा यूज है। आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि जो फिशेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सोर्स होती हैं प्रोटीन की, ठीक है। फिशेस को अगर खाने पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है ना वो प्रोटीन्स मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है प्रोटीन्स का। इसमें फैट्स भी मिलता है, विटामिन ए एंड बी मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, आयोडीन मिलता है, जो कैल्शियम है वो मिलता है। फिश को मैनवर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। फिश का जो फ्लोर होता है ना उसको मैनवर के रूप में उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, फॉस्फोरस प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी में मार्केट में ये इसको आजकल मिल रहा है। जो इसका जो फ्लोर है उसको ब्रेड बिस्किट केक से स्वीट बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा वाइट वीट और मेज फ्लोर को जो है मिक्स करके इसको बनाया जाता है। फिश मील का क्या उपयोग किया जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गया, पिक्स हो गया, केटल्स हो गए, इनको इनके यूज में भी, इनके फूड के रूप यूज में ये फिश मील्स का उपयोग किया जाता है। जो फिश मील्स होती है कंटेन कर रखते 60% प्रोटीन्स को जो है कंटेन कर रखती है, और ये हाईली इसमें जो है परसेंटेज होता है कैल्शियम का और फॉस्फोरस का। फिश का यूज जो है केक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, राइट। जहाँ पर प्रोटीन्स है तो वहाँ पर से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वहाँ पर से, तो फिश का जो यूज है वो केक को बनाने में भी यूज किया जाता है। साहा ग्रीन क्या होता है, जो फिश की जो रफ स्किन होती है उसका यूज रबिंग और पॉलिशिंग में किया जाता है, जो फर्नीचर को पॉलिश करते हैं और अलग अलग कलरों से, तो उसको साहा ग्रीन कहा जाता है, उसमें भी फिशेज का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो फिश है उसका यूज स्पोर्ट्स और गेम में भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आउटडोर गेम्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस का जो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें से निकलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाता है, राइट। डेकोरेशन के लिए भी फिशेस का उपयोग किया जाता है, देखिए कितना उपयोग है फिशेस का, बहुत सारी कलरफुल, इसको तो बढ़ाने की जरूरत भी नहीं कि डेकोरेशन के लिए कैसे किया जाता है, क्योंकि हम हर जगह फिशेस के डेकोरेशन देखते हैं, कलरफुल फिशेस होती हैं। कई बार पॉन्ड्स, एक्वेरिया, पॉन्ड्स, लेक में पाई जाती हैं, और उनको कलेक्ट करके हम घर में भी इनको रखते हैं। काफ़ी लोग अपने होटल्स की डेकोरेशन में, अपनी दुकान की डेकोरेशन में सब रखा जाता है। जिसका उपयोग ग्लू में भी किया जाता है, ठीक है, लिक्विड ग्लू को प्रिपेयर करने के लिए, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फिश के स्किन के, इसके बोन स्किन का यूज किया जाता है। बुक बॉन्डिंग, स्टिकिंग लेबल्स, इन सब चीज़ों में, लेदर वेदर, इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस ग्लू का, ठीक है। फिश लेदर, जो फिश की स्किन होती है ना वो मेनली थिक होती है, मोटी चमड़ी होती है, जिसके यूज बहुत सारे हैं, जैसे पर्स, बैग, लेडीज सूट, मैन सूट, बॉक्स, सूटकेस, कितनी सारी चीज़ें हैं बनाने में उपयोग किया जाता है, बहुत सारी। आर्टिफिशियल पर्ल्स के रूप में भी, पर्ल्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ मोती होते हैं ना, हम देखोगे कलरफुल मोती होते हैं, आजकल तो ना होम डेकोरेशन में भी यूज किया जा रहा है, ज्वेलरी के रूप में यूज किया जा रहा है, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो फिश ऑयल
फिश का ऑयल जो है, आपने मार्केट में सुना होगा फिश का ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस होता है। कहीं पर अगर आपकी चोट लगी है, कहीं पर दर्द हो रहा है, तो मालिश करने में जो बॉडी पेन ऑयल होते हैं उसमें भी फिश ऑयल को मिलाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिश की बॉडी से और फिश के लीवर से निकाला जाता है ये फिश ऑयल। और बहुत ज़्यादा इनमें मात्रा होती है विटामिन ए और डी की, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन होता है कि पेन ऑयल के रूप में फिशेस के ऑयल का यूज़ किया जाता है। और ये सच में बहुत ज़्यादा कारगर भी होता है। फिश गुनाव ये क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जब हम फिश की बॉडी से जो फिश ऑयल है ना उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मटेरियल बचता है फिशेस की बॉडी में निकालने से कुछ मटेरियल बाहर निकलता है या फिर कुछ जो मटेरियल बच जाता है उसी को फिश गुनाह कहते हैं। और ये इसका भी उपयोग किया जाता है, इसमें 8 to 9% नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिली होती है जिसका हम मैनवर के रूप में, खाद के रूप में उपयोग करते हैं। फिश प्रोटीन जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें से अगर फैट को निकाल दिया जाए, फिश फ्लोर को निकाल दिया जाए, तो एक नेचुरल और हेल्दी प्रोटीन्स प्राप्त होता है जिसमें 18 to 90% सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है, ओनली प्रोटीन्स होता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेड, आइसक्रीम ये सब बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल, देखिए फिशेस के बारे में इतना, अगर फिशेस हमें इतना कुछ दे रही है तो सोचिए नेचर को कितना कुछ नहीं देती होगी, कितना इम्पोर्टेंट नहीं होगा नेचर के लिए। नेचर के लिए भी फिशेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ऐसी डेंजरस चीज़ें जो ह्यूमन को इफेक्ट कर सकती हैं, कुछ डिजीज पैदा कर सकती हैं, कुछ कुछ एक्वा जो एक्वा कल्चर है इसमें रहने वाली और चीज़ें, क्योंकि फिशेस फिशेस तो नहीं रहती है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं पानी में, क्योंकि पानी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, पानी से ही पूरी पृथ्वी चल रही है। तो फिर फिशेस का बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ये इन चीज़ों को फीड कर लेती है, इनके लार्वा को फीड कर लेती है, और जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल कंट्रोल आता है, बहुत ज़्यादा डिजीज कम हो जाती हैं। मॉस्किटोज़ की तो 80% जो डिजीजेस हैं वो फिशेस खा लेती हैं, उनके जो लार्वा हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो साफ होता है। तो ये बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं जो पॉपुलेशन है मॉस्किटो की, इसको कम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम थोड़ी सी जान लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में, क्योंकि इतना सब कुछ तो पढ़ा है तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो फिशेस होती हैं वो अनादिकाल से ही मनुष्य के और उसके मवेशियों के लिए पौष्टिक भोजन के रूप में एक इम्पोर्टेंट स्रोत के रूप में गठित हुई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खाना भी जब पहले के लोग हुआ करते थे ना, वो फिशेस को ही खा के जिंदा रहते थे काफ़ी लोग, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था ना कि कहीं पर से आटा मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो पहले से फिशेस को भी अनादिकाल में बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता था। आजकल जो है फिश जो फ्लोरिंग होते हैं फिशिंग इंडस्ट्री के रूप में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, और फिश और फिश इन इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा निर्यात का जो कारण बन गया है। इससे हम बहुत ज़्यादा फॉरन जो विदेशी मुद्रा की जो अर्निंग कर रहे हैं, जो हमारी जो अर्निंग बढ़ रही है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, वो फिशेज की वजह से बहुत बढ़ रही है। और जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिशेज का, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत इसके फिशेस के उपयोग से हम बहुत ज़्यादा बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज है बायो प्रोडक्ट्स भी फिशेस के, कई चीज़ों को उपयोग करके बनाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर फिशेस होती है, जो मराइन फिशेस होती हैं, एडेबल होती हैं, इसमें इम्पोर्टेंट सोर्स होता है विटामिन ई, तो हम सब पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। और न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्रोत है जो फिशेस है, हार्ट और ब्रेन की भी काफ़ी डिजीजेस को फिश कम करती है, हार्ट से रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा ही डिजीजेस को कम करती है फिश। और इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, राइट। तो चलिए आज हमारी वीडियो अभी समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके जो हमने पॉइंट छोड़े हैं, क्या उस पर दूसरी वीडियो चाहिए, क्या उसके पार्ट 2 बनाया जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
अब हम जो आगे हम पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक होगा, अप्लाइड जियोलॉजी का दूसरा टॉपिक को हम इसके बाद कैरी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, बाय।